मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो आप फौरन देख सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं नसरीन, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं चिकन और आलू के लॉलीपॉप बनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये हमने दो बड़े आलू लिए हैं, इनको बॉयल करके कद्दूकस कर लिया है हमने। ये चिकन कीमा लिया है एक कटोरी हमने, इसको बॉयल कर लिया है हमने। इसमें आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर और दो चुटकी नमक डालकर उबाल लिया है हमने अच्छे से, और इसका पानी खुशक करके हमने इसको अलग अलग कर दिया है बिल्कुल। ये एक चम्मच हमने कॉर्न स्टार्च लिया है और डेढ़ चम्मच हमने मैदा लिया है। ये आधी शिमला मिर्च काटी है हमने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में। एक मीडियम साइज प्याज काटी है हमने, ये भी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, चाहे आप कद्दूकस कर लें इसको। ये दो चुटकी चाट का मसाला है, ये आधे चम्मच लाल मिर्च है, ये दो चुटकी गरम मसाला पाउडर है, ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर है आधे चम्मच से थोड़ा कम, और ये आधा चम्मच नमक है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक लें, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च ना डालें। ये एक हमने हरी मिर्च ली है, इसको फाइन चॉप कर लिया है, ये ज़्यादा तेज़ नहीं है। ये थोड़े से ब्रेड क्रम लिए हमने, ये टूथपिक ली है हमने थोड़ी सी। आलू में हम सबसे पहले चिकन कीमा मिला लेंगे, आप चाहें तो इसको कीमा के बगैर भी बना सकते हैं। ये हम नमक डालेंगे इसमें, हल्दी डालेंगे, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, ये हरी मिर्च, शिमला मिर्च, प्याज, इन सबको अब हम मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से। ये हमने मिक्स कर लिया है और करेंगे हम अभी, पहले इसमें ये डालेंगे कॉर्न स्टार्च एक चम्मच और डेढ़ चम्मच मैदा डालेंगे हम। ये थोड़ा सा बचाएंगे, इसको हम आगे बताएंगे क्या करना है। मिक्स करेंगे बिल्कुल, इसे मिक्स कर लिया है। अब इसको तलने के लिए हमें तेल चाहिए, ये हमने तेल गरम करने रख दिया है। इतने हम मैदा घोलेंगे, ये बचे हुए मैदे में हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, इसका एक पतला सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा और डालेंगे हम पानी। ये हमने मैदा घोल लिया है ऐसे, ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। अब हम इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे, छोटे छोटे बनाएंगे हम इस तरीके से। बहुत छोटा सा बनाया है हमने, ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। सारे गोले तैयार कर लिए हैं, अब हम इनको एक एक ऐसे उठाएंगे और इसमें डिप करेंगे इस तरीके से, और फिर ब्रेड क्रम में डाल देंगे। ब्रेड क्रम ऐसे लगाएंगे इसके ऊपर इस तरीके से, ऐसे, और रख देंगे हम ऐसे ही। फिर दोबारा ऐसे ही करेंगे हम, दूसरा गोला ऐसे डालेंगे, फिर ब्रेड क्रम में डालेंगे, ऐसे घुमाएंगे इसे। इस तरीके से हम ये सारे तैयार कर लेंगे, देख सकते हैं ये मैंने सारे गोले तैयार कर लिए हैं। इसको आधे घंटे फ्रिज में रख देंगे, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हम डालेंगे ये गोले, इनको रखे हुए फ्रिज में आधा घंटा हो चुका था। इस तरीके से डाल देंगे हम, जितने इसमें आएंगे, ज़्यादा नहीं भरेंगे हम इसको, बस इसको हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करेंगे हम, मीडियम पे करेंगे इसको फ्राई।
थोड़ा इसको हल्के हल्के से हिला देंगे ताकि ये पलट जाएं, गोल हैं ये अपना आप ही पलटते रहेंगे। थोड़े जब टाइट हो जाएंगे फिर हम इनको चम्मच से हिलाएंगे। अब हम इनको चम्मच से हिला देंगे किसी भी चीज़ से, थोड़ा और पकने देंगे हम। सकते हैं कि हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारे लॉलीपॉप तैयार हैं, पोटैटो चिकन लॉलीपॉप। इसमें हमने थोड़े से उसमें ये स्टिक लगा दिए बच्चों के लिए, थोड़े से हमने ऐसे ही छोड़े हैं बड़ों के लिए। ये हमने टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। आप भी हमारे तरीके से बनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।